हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश और आज मैं आपको बैटरी रिकवर करके बताऊंगा। ये बैटरी हमारे पास दो बैटरी हैं, एक रेड वाली और एक येलो वाली। लाल बैटरी वो चार्ज है और पीली बैटरी वो चार्ज नहीं है। इसे रिकवर कैसे करेंगे वो हम बताएंगे आपको आज। अब डिजिटल मीटर से चेक कर लेते हैं, करंट नहीं आ रही है, शो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। अब लाल वाली को चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, 12 वोल्ट करंट आ रही है, 12.39 करंट है। अब बैटरी को रिकवर करने के लिए इसका ऊपर का ढक्कन उतार लेंगे और इसकी 6 कैप होती हैं, ये सारे ढक्कन उतार लेंगे 6 के 6। ढक्कन उतारने के बाद दोस्तों, इसमें बेकिंग पाउडर होता है, एक मीठा सोडा बोलते हैं जिसे, ये मीठा सोडा है। इसमें सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं और Na2CO3 भी बोलते हैं। इसमें इसका मिश्रण होता है, ये देखो ग्रेविटी वाटर में डाला, ये कैसे बॉयल हो रहा है। अब बैटरी में थोड़ा थोड़ा ये डाल लेंगे, बेकिंग मीठा सोडा थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे, सब में थोड़ा थोड़ा डाल लेना। और डालने के बाद ऊपर से ग्रेविटी वाटर डालेंगे। दोस्तों ये कोई इन्वर्टर का पानी नहीं है, ये कोई डिस्टर वाटर नहीं है, ये तेजाब होता है जिसकी ग्रेविटी बनाई होती है, ये वो वाटर होता है। अब ग्रेविटी वाटर डालेंगे, इसकी ग्रेविटी होनी चाहिए 20 पे। पानी भर लेते हैं सब में। दोस्तों हमने पानी भर लिया, अब हम चेक करेंगे। दोस्तों चेक करने पे ये 4.43 वोल्टेज बता रहा है, 4.45। अभी ये चार्ज नहीं की है, सिर्फ पानी डालने से इतना करंट आ रहा है। ये देखो दोस्तों, पानी डालने से सिर्फ इतना करंट आ रहा है, 4 वोल्ट। और हम ये हीरो का जनरल मीटर है, इसे बैटरी टेस्टर बोलते हैं, बैटरी टेस्टर से इसे चेक करेंगे। ये नेगेटिव पे लगाएंगे, ये पॉजिटिव पे लगाएंगे इसका क्लम्प। अब दोनों क्लिप लगा दिए हमने। दोस्तों ये काफ़ी डेड है बैटरी, 4 वोल्टेज पे ये नहीं उठा रहा है मीटर, कम से कम 6-7 वोल्टेज चाहिए इसे। अब रेड पे लगाते हैं। अब लाल वाली ये देखो कनेक्ट हो गया, ये 21 इसका कोड होता है, पीछे इसके सारे कोड लिखे हुए हैं, ETZ4, ETZ5, ETZ7, सब कोड लिखे हुए हैं इसके ऊपर। और ETZ4 में कोड जो हुआ 21 आता है। रिकोड डाल लिया हमने 21। आप देख सकते हैं ये 4 LB बैटरी है, ये देखो 4 लिखा हुआ है, ETZ4। अब ये 21 इसका कोड है, आप टेस्ट करेंगे। ये देखो 12.36 बता रहा है, पर ये लाल निशान बता रहा है, इसका मतलब ये ख़राब बैटरी है। दोस्तों आपको लग रहा होगा ये बैटरी सही है, पर ये ख़राब है। ये मीटर काफ़ी कॉस्टली आता है, उसकी वजह से ये हर कोई नहीं खरीद सकता। ये देखो दोस्तों, हमने बैटरी को चार्ज किया और चार्ज करने के बाद इसकी वोल्टेज बता रहे हैं। अब ये देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगा दिए, ये 21 कोड रह गया इसका। अब इसको वोल्टेज चेक करेंगे, सॉरी दोस्तों, हाँ ये कोड आ गया इसका। अब ये देखो, ये वोल्टेज बता रहा है, अब इसे टेस्ट करेंगे।
टेस्ट करने के बाद देखो दोस्तों, ये लो बैटरी बता रहा है, इसका मतलब ये बैटरी ठीक है। अगर ये लाल निशान बताती थी क्रॉस का तो ये बैटरी ख़राब थी, अब इसने बिल्कुल सही बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।